अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की गई है। गणेश चतुर्थी को लेकर गृह विभाग के निर्देश, जुलूस पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। मूर्ति ताजियों के विसर्जन में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं, छोटे पंडाल ही बनेंगे। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, गणेश चतुर्थी को लेकर गृह विभाग के निर्देशा निर्देश यहां जारी किए गए, गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको लेकर अब प्रशासन लगातार वो गाइडलाइन हर यहां पर मुस्तैदी से उस पर काम किया जा रहा है। जुलूस पर पाबंदी है और मूर्ति ताजियों के विसर्जन में सिर्फ 10 लोग ही शामिल होंगे, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान कई बड़े हादसे होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इस तरह का फैसला किया गया है। दूसरा, कोरोना अभी हमारे बीच में ही है, उसको लेकर भी इस तरह के फैसले यहां पर किए जा रहे हैं। छोटे पंडाल ही इस बार बनेंगे, नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, आगामी त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। ऑनलाइन पर संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ गई हैं। अंजलि, गृह विभाग की गाइडलाइन क्या है? गणेश उत्सव और ताजिया को देखते हुए गृह विभाग ने है जो नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जो गणेश मूर्ति और ताजिया के लिए जो पंडाल बनाए जाएंगे तो उसकी अधिकतम जो है 30 से 45 फीट की रहेंगे, तो वहीं जो बड़ी झांकियां हैं वो नहीं बनेंगी। और वो उन जगह का भी निरीक्षण किया जाएगा कि जहां सकरी रोड है या जगह कम है तो वहां पे भी पंडाल नहीं लगेंगे। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और झांकी पे भीड़ ना लगे इसकी भी जिम्मेदारी रहेगी। आयोजक इसके जिम्मेदार रहेंगे कि उन्हें देखना पड़ेगा कि एक दूरी रहे उनके बीच और ज्यादा भीड़ ना हो। तो वहीं अगर जब मूर्ति विसर्जन या ताजिया विसर्जन होंगे तो उस संबंध में भी जो 10 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं अगर हम बात करें जुलूस की, तो जुलूस पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं जहां इस सारी चीजों को प्रशासन देखेगा कि ज्यादा भीड़ ना हो, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन उन्होंने जारी करी है तो उसका पालन करना होगा। तो इसी के साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा, तो उल्लंघन होने पर जो है कलेक्टर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो वहीं धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। बिल्कुल अंजलि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो भोपाल से खबर आपको बताते हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें गणेश चतुर्थी भी शामिल है और गृह विभाग ने इस दौरान दिशा निर्देश यहां जारी करते हुए जुलूस पर फिलहाल पाबंदी लगाई है। मूर्ति ताजियों के विसर्जन में सिर्फ 10 लोग और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी अपील यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है।